एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, अपना बड़े परेशानी है भाई, बड़ी गर्मी है। तो आप लोगों का मैं गर्मी के हवाले से एक रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी है और गर्मियों का जो सबसे स्पेशल फल है वो है मैंगो। तो आज हम मैंगो की ही एक स्वीट रेसिपी बनाएंगे, मैंगो डेजर्ट बनाएंगे हम लोग आज। तो आज छुट्टी का दिन, मैं हूँ बिल्कुल वेली, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ना गलती से एक क्रीम का पैकेट ले आई हुई थी, अब वो एक्सपायरी के नज़दीक नज़दीक है, तो मैंने सोचा उसको यूटिलाइज कर लूँ वरना वो वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए मेरे जहन में जो है यही चीज़ आई है डेजर्ट बनाने के लिए, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि अगर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन सबके साथ आ जाती है कि कोई चीज़ आप लोग स्टोर से लेके आ जाते हैं, वो यूज़ नहीं होती और वो एक्सपायरी के नज़दीक पहुँच जाती है। मैं यहाँ पर पानी खोलने के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, तो ये है जी सारी कहानी आज की। तो चलिए चल के चलते हैं और बनाते हैं डेजर्ट। हमें ये डेजर्ट बनाने के लिए चाहिए है मैंगो, और साथ में मैंने ले लिया ऑलपर्स की क्रीम भी ले ली है, और हमें चाहिए चीनी, जो कि हस्बैंड ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट जो है वो मीठा तो होता ही है, तो अगर कम बेश अगर आपको ज़्यादा कम लगे तो फिर आप डाल सकते हैं। और हमें चाहिए एक अदद बाउल, जिसमें आपने इसको करना है, क्या करना है इसको बाउल में, क्या करते हैं? तो अभी मैं सबसे पहले मैंगो को जो है वो पील कर लूँगी। तो यहाँ पर आम को जो है वो मैंने पील कर लिया है, दो आम मैंने लिए हैं, क्योंकि हम दो ही तो बंदे हैं, ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता, इसलिए काफ़ी है हम दोनों के लिए। तो इसको अब मैंने दो शेप्स में कटिंग करना है, एक को मैंने जो है ना वो प्यूरी बनानी है, और उसके लिए जो है ना मुझे ये ब्लेंड करना पड़ेगा, इसलिए उसको तो मैं रफली कटिंग करूँगी। दूसरे को मैंने क्यूब्स कटिंग में करना है, ताकि वो बीच में मिक्सअप करने हैं मैंने। तो अभी मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जो है ना रफ कटिंग कर ली है, अभी मैंने इसकी प्यूरी बनाने के लिए, अभी इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, तो इसको मैंने रफली जो है वो कटिंग कर ली है, और ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में जो है कटिंग कर लिए हैं उसकी कटिंग बोर्ड की मदद से। तो ये बड़े अच्छे जो है ना छोटे छोटे से क्यूब इक्वल में कटिंग हो गए हैं, तो अभी मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने जो है वो इसको जग के अंदर डाल दिए सारे जो भी मैंगो बल्ब था उसको, अभी मैं इसकी कैप लगा दूंगी और साथ ही मैं इसको ऑन कर दूंगी। ओ, पीछे से स्विच ऑफ है। आप लोग देख सकते हैं कि हो गया है तकरीबन, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा इसका जो है ना बैटर बन गया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी अगर बीच में पल्प रह गया हो तो वो अच्छे से हो जाए। और ये अगेन, एंड दैट्स इट। अभी मैं इसको जो है वो निकाल लूंगी बाउल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया। इसमें मैंने बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं किया, ये बिल्कुल प्योर है, ना पानी कुछ भी नहीं इसके अंदर मैंने ऐड किया। अब मैं इसमें इसी जग के अंदर जो है ना हम क्रीम को जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर गाइस, मैंने क्रीम का जो है वो डिब्बा खोली, अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसका थोड़ा सा बस जो है ना वो बैटर को लिक्विडी सा करने के लिए इसको ब्लेंड करना है, अदरवाइज ये कोई इसमें वो नहीं है। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, मेरे पास ये वाली पड़ी हुई थी, जो कि मैंने बताया कि ये मैंने कहीं पे यूज़ नहीं की, तो ये एक्सपायर होने वाली है, इस वजह से मैंने जो है ना ये इसका बनाने का सोचा है। तो होप सो कि ये मेरा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, अगर अच्छा बन गया तो मैं आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूँगी, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तभी मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जो है ना इसको ब्लेंड करने लगी हूँ।
वॉश मैंने जग को इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में भी इन दोनों को मिक्स ही करना, दैट्स वाई उसको फिर वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग भी उसी जग को यूज़ कर सकते हैं, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये देखिए, ये बिल्कुल उसका कंप्यूटर का एल्गोरिदम जो उसमें ऑन एंड ऑफ वाला होता है कि ज़ीरो पर जो है ये ऑफ हो रहा है, और अभी मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूँगी वन तो फिर ये ऑन हो जाएगा। तो मतलब ये कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पे बाइनरी सिस्टम जो होता है वो बना हुआ है। ये बताने का मेरा मकसद ये था कि जो पुराने चीज़ें होती हैं वो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह से यूज़ होता है। अभी तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये थोड़ा पुराना है, इस वजह से इसके ऊपर ये वाला सिस्टम बना हुआ है। तो अभी हमारा ये जो है वो ब्लेंड हो गया, अभी मैं इसको भी निकाल लूँगी। देखिए ये जो इसकी झाग झाग सी है ना, हमें यही चीज़ लेकर आनी थी, तो ये बड़ी अच्छी सी बन गई है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर गए आज क्योंकि घर में आम हो गया, तो यहाँ पर अजलान पीछे कहाँ रह सकता था। यह देखें पापा इसके खिलाने वाले और ये खाने वाला, खुद भी मैंगो बना हुआ है, शर्ट भी मैंगो खा रहा है। वो तेरे देखो कैसे बना हुआ है। ओह माय गॉड, बिल्ली चुटन ये तो बिल्लियां चाट जाएंगी। नहीं ये हम धो लेंगे अपने बेबी का। ओहो अभी तो ओ गंदा हो गया है, मोह बिल्लू बन गया भाई। खाओ खाओ खाओ। ओए होए मजे भी आ गए। अभी इसको बाल्टी में पानी डाल के इसको नहला भी देना। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसको निकाल लिया है, और अभी हम इस वाले पल्प को जो है ना थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ऐसा ऐसा इसका भी कलर चेंज होता जाएगा क्योंकि ये अपना कलर मैंगो का मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो जी ये देखें आप लोगों के, आप लोगों को दो दो कलर जो है वो नजर आ रहे होंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए, ये वाइट जो है ना इसमें खत्म हो जाए और येलो येलो जो है ना ये लेमन सा शेड बन जाए। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी है। अच्छा मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने जो है वो अभी चीनी इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा मीठा ऑलरेडी लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप लोगों को कम लगे आप लोग डाल सकते हैं। आप दोनों जाओ ये खाओ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स जो है वो मैंने कर दिया है, इसको बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर बन गया। ये आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, थोड़ा सा थिक भी है। फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा सा और हो जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर मिक्स करने हैं ये पल्प। ये देखें ना बिल यहाँ से चोरी करके ले गएंगी उस मेरे चोर। तो अभी मैं इसका मिक्स करने लगी हूँ, आप लोगों के सामने ही करती हूँ मैं। आपको मैं वेरीफाई करके बताऊंगी जो आपने मैंगो में मेरे साथ किया है। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मजे किसका जो है ना मैंगो डेजर्ट बन जाएगा। क्योंकि जी अजान आपने मेरी मैच बॉक्स सारी खराब कर दी बेटा, कितना खराब हो आप। अभी मैं इसके अंदर और ये डाल लूंगी, थोड़े थोड़े डाल के जो है ना मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स ना हो जाए, चंक्स की तरह जो है ना ये खाते हुए मुंह में आए। ये है जी मेरे फाइनल लुक इस वाले डेजर्ट की। ये आप लोग देख सकते हैं कि इधर से भी क्यूब्स जो है वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर भी मिक्स कर दिया और इसकी प्रेजेंटेशन भी मैंने इसके साथ ही कर दी। अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर, आप लोग चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं भी जी बेटा आलमंड मैं इसमें यूज कर लूंगी, तब फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हाँ जी क्या बात है,
उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। सो गाइस, ये है मेरा यम्मी सा डेजर्ट और अभी मैं इसको आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है टेस्ट इसका, और अभी ये काफ़ी थिक भी हो गया है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई आइसक्रीम होती है। तो अभी हम इसको करेंगे टेस्ट कि ये क्या मैंने बनाया है और कैसा बना है। और ये हम डालेंगे इसमें, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है यही कि ये तकरीबन जो है ना मैंगो आइसक्रीम जैसा फ्लेवर ही देगा। तो अभी मैं खा कर बताती हूँ आप लोगों को। यम्मी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको घर पे, बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं देखिए कैसे भर भर के खा रही हूँ। सबसे मज़े की चीज़ ये है, ये बच्चों के लिए बहुत मज़े की चीज़ है, बच्चों को अट्रैक्ट भी करेगी क्योंकि बच्चों को मैंगो बहुत पसंद होते हैं। आज कल गर्मी है तो वैसे मैंगो बहुत उन्हें पसंद होते हैं, जैसे अज़लान को बहुत पसंद है और वो खा भी रहे। तो अज़लान के लिहाज से ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ मैच हुई हुई है, इसमें ब्लेंड हुई हुई है, तो ईज़िली उसके लिए खाना भी ईजी रहेगा। जैसे अभी हमने उसे खिलाना तो उसको क्यों उसमें कटिंग करके देते हैं ताकि वो ईज़िली खा सके। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें घर में और बस अच्छे से इंजॉय करें इसको, गर्मियों का मज़ेदार किस्म का डेजर्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।